साथ ही इस वीडियो के अंदर हम जो ब्रिटेन का इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ में जो विनायक दामोदर सावरकर हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी सारी जो गतिविधियां हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे साथियों। साथ ही इसकी चर्चा अब हम इंडिया हाउस से शुरू करते हैं। ब्रिटेन में एक था सेंटर जिसको इंडिया हाउस कहते थे। साथियों हमको इंडिया हाउस को समझना है तो उसके साथ में हम श्यामजी कृष्ण वर्मा इनको भी थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, तभी हम इंडिया हाउस को समझ पाएंगे साथियों। साथियों इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 31 मार्च 1930 को हुई थी। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे ये पढ़े लिखे इंसान थे, बुद्धिजीवी थे, और इन्होंने जो है हमारे देश का जो आंदोलन चला था धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राममोहन राय का आंदोलन, उसके बाद से दयानंद सरस्वती का आंदोलन, उसके बाद से स्वामी विवेकानंद का आंदोलन, ये जो आंदोलन चले थे इन आंदोलनों से ये प्रभावित थे और इन आंदोलनों से प्रेरित थे। और स्वामी कृष्ण वर्मा जी 1897 में इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने वहां पर ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन का उसके अंदर वो संस्कृत के प्रोफेसर बन गए, और 1897 में ही उन्होंने एक पत्रिका निकाली वहाँ पे। फिर साथियों इन्होंने वहीं पर एक 3 मंजिला मकान खरीदा रहने के लिए, और 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इन्होंने जो इनका मकान था 3 मंजिला मकान उसी का नाम इंडिया हाउस रख दिया, वो इंडिया हाउस के नाम से वो मकान फेमस हो गया, और जो भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आता था, इनका शिष्य बन के वहाँ पढ़ने के लिए आता था उसको यहाँ वहाँ पर ये रहने की जगह देते थे। वहाँ इनके इस इंडिया हाउस में रह करके बच्चे जाकर के पढ़ाई करते थे, और इन्होंने एक संस्था बनाई हुई थी जिससे भारत देश के जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति देते थे, वो छात्रवृत्ति दे करके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करते थे। अब साथ ही क्या हुआ, यहाँ से हम जो विनायक दामोदर सावरकर है उनकी चर्चा शुरू करते हैं। और साथ ही 1906 में क्या हुआ, श्यामजी कृष्ण जो है भारत देश में आए तो वहाँ पर वो बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको भी वो बहुत पसंद करते थे, उनकी विचारधारा से सहमत थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने अनुमोदन पर श्यामजी कृष्ण वर्मा को ये कहा कि आप जो है ये विनायक दामोदर सावरकर है इसको पढ़ाई के लिए आप इंग्लैंड में ले जाओ, और इसको छात्रवृत्ति दे करके आप इंग्लैंड में इसको पढ़ाई के लिए ले जाओ। तो उन्होंने हाँ कह दिया, और उसके बाद से 1906 में विनायक दामोदर सावरकर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए पहुंचे और ये इंडिया हाउस में रुके। अब इंडिया हाउस में क्या हुआ, इनके एक साथी थे और भी बहुत सारे छात्र रहते थे, मैं प्रमुख जो थ्योरी है वो आपको बताता जा रहा हूँ। तो जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, ये पहले से इंडिया हाउस में रहते थे। तो 1909 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था करजन, करजन की मदनलाल ढींगरा ने हत्या कर दी, और हत्या के बाद में मदनलाल ढींगरा को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, और उसके साथ में विनायक दामोदर सावरकर को इस पूरे हत्या के षड्यंत्र में 13 मई 1910 को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। सावरकर जब ये ब्रिटेन गए थे उसके पहले उन्होंने 1904 में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था अभिनव भारत, और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तो अभिनव भारत जो संगठन था उस अभिनव भारत के सदस्यों ने नासिक का एक कलेक्टर था जिसका नाम था जैक्सन, अंग्रेज था, उस कलेक्टर की हत्या कर दी। जैसे ही उसकी हत्या कर दी तो ये जो संगठन बना था अभिनव भारत, जब इसके लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि इस संगठन के साथ विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम आ गया। जैसे ही इनका नाम आया इसके साथ ही इन्होंने क्या किया था कि भारत देश में एक हथियार, एक रिवाल्वर किसी के माध्यम से वहाँ से भारत देश में भेजा था। जांच में इस बात का भी खुलासा हो गया, इस कारण से जो सावरकर को ब्रिटेन में रखा था, ब्रिटेन से फिर जो अंग्रेज थे वो उनको भारत लेके आए। तो रास्ते में फ्रांस में इनने भागने की भी कोशिश की, मगर वहाँ पर दोबारा फिर पकड़ लिया गया और वापस इंडिया लाए। इंडिया लाने के बाद से फिर 2 मुकदमे इनके ऊपर, दोनों मुकदमों में सावरकर को दोषी पाया गया और दोनों मुकदमों में सजा दी गई, जिसमें जो जैक्सन का जो मुकदमा था इसमें जो है काला पानी की सजा दी गई और उसके अंदर भी आजीवन कारावास की सजा दी गई।
तो जैसे ही सावरकर को भारत लेके आए उसके बाद से सीधा उनको काला पानी की जो सजा दी गई, तो काला पानी की सजा का जो जेल था अंडमान निकोबाबाद में, उस जेल में उनको भेज दिया गया। अब ये जो दो अलग अलग फैसले आए थे इसमें दोनों की जो सजा की जो तारीख थी 24 दिसंबर 1910 को जो ब्रिटेन वाला केस था उसकी सजा का ऐलान हुआ, फैसला आया उसका। उसके बाद 7 अप्रैल 1911 को जो जैक्सन का मुकदमा था उसमें षड्यंत्र का केस था उसके उसमें इनको सावरकर को सजा देने का फैसला आया। साथियों ये तो होगी प्रक्रिया, हम थोड़ा सावरकर के जीवनी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साथियों विनायक दामोदर सावरकर का जो जन्म है वो 28 मई 1883 को हुआ था, वो इनका मृत्यु जो है 26 फरवरी 1966 को हुआ था। और सावरकर जो है एक वकील थे, राजनीतिककार थे, कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे और सावरकर धार्मिक रूप में नास्तिक थे। नास्तिक थे ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, तर्कवादी थे। उनका जो राजनीतिक दर्शन है उसके अंदर उन्होंने उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सर्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व लेकर के ये सारे जो दर्शन हैं, ये सारी जो थ्योरी हैं, इन थ्योरियों से उन्होंने हिंदुत्व की थ्योरी को गढ़ा, हिंदुत्व की थ्योरी को बनाया। समझना, एक नास्तिक व्यक्ति ने एक हिंदू धर्म के लिए हिंदुत्व की थ्योरी को गढ़ा। के बाद से 1904 में उन्होंने अभिनव भारत बनाया, 1906 में ब्रिटेन गए, 1909 में करजन की हत्या हुई, 1910 में इनको उसके षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया, 1910 में ही जैक्सन की हत्या हुई, जैक्सन की हत्या में और हथियार भेजने के जुर्म में इनको फिर से दोषी पाया गया। उसके बाद से इनको इंडिया लाया गया, वो इंडिया लाने के बाद से यहाँ उनको काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी की सजा सुनाते ही इनको अंडमान निकोबाबाद की जो सेलुलर जेल है उस जेल के अंदर इनको भेज दिया गया और वहाँ पे वो सजा काटने लगे। ये 1911 तक का परिदृश्य है। जो शिवाजी के समय में जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी, जो शिवाजी के राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था, महाराष्ट्र में पूरी एक टीम थी जो इसके लिए काम कर रही थी, उस टीम के हिस्सा विनायक दामोदर सावरकर भी थे, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद साथियों हम आगे की कहानी को समझते हैं। 1911 के बाद जैसे ही जेल में गए, जेल में जाने के बाद से सावरकर को ये समझ में आ गया कि मैं गलत रास्ते में चला गया और उन्होंने 1911 से ही माफीनामा लिखने शुरू किए। 1911 में उन्होंने अपनी दया याचिका दायर करवाई कि मुझे बरी कर दिया जाए। साथ ही 1911 के बाद से इन्होंने 6 बार माफीनामा लिखे और जो माफीनामा लिखे उस माफीनामों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्लियर कट तरीके से सरेंडर करने का जो बात है वो माफीनामों में लिखा। माफीनामा तो बताना पढ़ना मुश्किल है, आपसे निवेदन है, मेरे के बहुत सारी जानकारी नेट पर है, आप सावरकर के माफीनामे डाल के आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारे इनके माफीनामों के ट्रांसलेशन जो है वो गूगल पे मौजूद हैं, तो आप विस्तार से पढ़ने के लिए आप गूगल में सर्च करके उनको पढ़ सकते हैं। मगर मैं उसके जो ऐसे तथ्य हैं जो हमको आपके सामने रखना जरूरी है, उन तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो लेटर मैं आपको बता रहा हूं, ये लेटर 1913 में लिखा गया था और 1911 में जो दया याचिका दायर की थी उसके संबंध में लिखा गया था कि उसके बारे में पुनः निवेदन किया गया था। उसका जो अंत का जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अंत में हुजूर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप दयालुता दिखाते हुए सजा माफी की मेरी 1911 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें और इसे भारत सरकार को फॉरवर्ड करने का अनुशंसा करें। भारतीय राजनीति के ताजा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर से खोल दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति अंधा होकर उन कांटों से भरी राहों पर नहीं चलेगा, जैसा कि 1906-07 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था।
ये सावरकर के शब्द है। इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमन साहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और सरकार और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। जब तक हम जेल में हैं, तब तक महामहिम के सैकड़ों हजारों वफादार प्रजा के घरों में असली हर्ष और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हमें रिहा कर दिया जाता है तो लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सजा देने और बदला लेने से ज़्यादा माफ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे। इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाएगा, जो कभी मुझे अपना पथ प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे उस रूप में सेवा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा यह रूपांतर अंतरात्मा की पुकार है। उसी तरह से मेरा भविष्य का व्यवहार भी होगा। मुझे जेल में रखे जाने से आपका होने वाला फायदा, मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले फायदे की तुलना में कुछ भी नहीं है। जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है, और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाजे के अलावा कहां लौट सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। बीडी सावरकर। ये 2013 का पत्र है, माफी मांग रहे हैं और सरकार के सामने गिड़गड़ा रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने 6 लेटर लिखे और 6 लेटर में हर बार एक गिड़गड़ाए बहुत बुरी तरीके से कि कैसे भी करके मैं जेल से बाहर निकल जाऊं। उसके बाद साथी अंत में 1920 में बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के सामने पैरवी की, और इस शर्त के ऊपर कि किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधि नहीं करोगे, उसकी शर्त के आधार पर 1920 में सावरकर को रिहा किया गया। ये हमको समझना है। और इनकी रिहाई की जो शर्त थी उसमें कहा गया था कि ये ब्रिटिश कानून को नहीं तोड़ेंगे और किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं करेंगे। तो ये दया याचिकाओं के साथ में फिर इनको 1920 में रिहा किया गया, और 1920 में रिहा करने के बाद से इतने सच्चे सेवक अंग्रेजों के बने कि 1920 के बाद में सावरकर और सावरकर के साथ में जितने लोग थे वो सारे लोग अंग्रेजों के भक्त बन गए, और इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में जो भी विचार था उस विचार को त्याग दिया। ये हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सावरकर थे उनको अंग्रेजों की तरफ से 60 रुपये महीना सरकारी पेंशन देना अंग्रेजों ने शुरू की। अब ये 60 रुपये पेंशन किस बात के लिए देते थे इसकी जानकारी आज तक आरएसएस के लोग नहीं बता पाए। और ये 60 रुपये महीना का अर्थ ये होता था कि उस समय 60 रुपये महीना कलेक्टर की भी तनख्वाह नहीं होती थी, तो कलेक्टर से ज़्यादा इनकी तनख्वाह थी। और उस समय 10 रुपये तोला सोना आता था, जिस समय इनकी 60 रुपये तनख्वाह थी। तो आप उस समय अंदाजा लगा सकते थे कि उस समय 60 रुपये का कितना बड़ा महत्व था। वो ये काफ़ी समय तक इनको ये पेंशन दी गई। ये हमको समझना है। इससे ये समझ में आता है कि बाद में अंग्रेजों का और सावरकर का जो गठजोड़ बना वो गठजोड़ कितना तगड़ा था, ये हमको समझना है। साथ में 1920 के बाद जितने भी सावरकर के साथ में लोग थे, जो हिंदू दर्शन के जितने लोग थे, ये सारे लोग अंग्रेजों के भक्त हो गए। उसके बाद से 1925 में आरएसएस बना। आरएसएस के बनने के बाद भी आरएसएस भी सीधी तौर से अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी गतिविधि नहीं करी आरएसएस ने। इसलिए कहा जाता है कि आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में कोई भी योगदान नहीं दिया। आज़ादी के आंदोलन में इनका कोई भी योगदान नहीं है अंग्रेजों से सीधा भिड़ने का। आरएसएस का जो आरएसएस के लोग थे आरएसएस के अंदर काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे सावरकर निकले तो उन्होंने हिंदुत्व का दर्शन लिखा, हिंदुत्व की विचारधारा को गढ़ा, हिंदुत्व की विचारधारा को प्रचार किया, और इन्होंने फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को रखा। मुसोलिनी और हिटलर की जैसी ये राष्ट्रवाद की अवधारणा आई, जो फांसीवाद का विचार पैदा हुआ, तो फांसीवाद के विचार के साथ उसकी थ्योरी गढ़ना शुरू कर दी। आरएसएस को गढ़ा, आरएसएस को पैदा किया, आरएसएस को फांसीवादी विचारधारा के साथ जोड़ के
देश में काम करने के लिए प्रेरित किया, ये मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगा साथियों। और 1937 में इन्होंने हिंदू महासभा के सम्मेलन में जिसके अध्यक्ष थे उसमें ये द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है इसको रखा देश के सामने। वो हिंदू महासभा के लोगों ने इसको प्रचार प्रसार किया कि भारत देश के अंदर दो राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदुओं का राष्ट्र है, एक मुसलमानों का राष्ट्र है, दो तरीके की विचारधाराएं हैं। और इसी घोषणा के बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। तो हमको ये समझना है कि 1937 से लेकर के 1942 तक और पूरा आजादी के आंदोलन की लड़ाई खत्म होने तक इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने की कोशिश की है और सिर्फ आग लगाने की कोशिश की है, ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान होता रहा और हिंदू मुसलमान में इन्होंने जो मुस्लिम लीग थी, मुसलमानों का आंदोलन था, इनकी वजह से मुसलमानों के आंदोलन को बल मिलता था। तो इस अवधारणा को भी ध्यान रखना है कि इसके बाद से इनकी खाली उंगली करने का काम बचा था। कांग्रेस को उंगली करना है, राष्ट्रीय आंदोलन को उंगली करना है, इसको गलत कहना है, उसको गलत कहना, हिंदू एक हो जाओ कहना है, हिंदुओं के नाम पर झगड़ा कराना है, बस यही काम बचा था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमको ध्यान रखना है, इसके बाद कोई भी आरएसएस का आदमी, आरएसएस और हिंदू महासभा के जो लोग हैं और ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के वाले जो लोग हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने इनको कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार करके किसी को जेल में नहीं डाला पूरा आजादी के आंदोलन की लड़ाई तक। ये भी हमको ध्यान रखना है। एक तत्व और ध्यान रखना है कि जो आजादी का आंदोलन हमारे देश में चला, असली जो आजादी का आंदोलन है वो 1920 के बाद ही शुरू हुआ, जब महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ, जब क्रांतिकारी आंदोलन तेज हुआ, अंग्रेजों ने जब एकदम से दमन करना शुरू किया, 1920 के बाद का ही समय था जब असल में अंग्रेजों के साथ टकराव शुरू हुआ। और इस समय में जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, सीधे अंग्रेजों के टकराव में खड़े नहीं हुए हैं। जो बाद में आरएसएस के पदाधिकारी थे, आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे, हिंदू महासभा के साथ जो जुड़े हुए थे, ऐसे जो लोग हैं वो लोग, कोई भी आदमी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए हमें कहते हैं कि जो ये आज़ादी का आंदोलन है इसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, ये बार बार कहते हैं सारे लोग, मगर आज की तारीख में इतिहास को गढ़ने का, बदलने का कोशिश हो रहा है। मैंने जो आपको सावरकर का जो पूरा इतिहास बताया, उस इतिहास से आप समझ सकते हैं कि सावरकर को जो वीर सावरकर कहा गया, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा, क्या ये वीर कहने लायक हैं या सावरकर को वीर सावरकर कहना चाहिए, जिन्होंने छाती में गोलियां खाई। सेलुलर जेल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 10 साल नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक उन्होंने वहां जेल की सजा काटी। बहुत सारे लोग थे जिनकी जेल में सजा काटते काटते उनकी मृत्यु हो गई, बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी थे। ऐसे लोगों का नाम आज हमारे देश के सामने नहीं है या जो कभी सरेंडर नहीं हुए यातनाओं के साथ। सावरकर ने तो कितने बार माफीनामा लिखे, गड़गड़ाते रहे आखिरी तक कैसे हम जेल से छूटे। तो इस तरीके की जो अवधारणा थी, इस अवधारणा के साथ में सावरकर को वीर सावरकर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। अंत में साथियों, है कि सावरकर के बारे में दो तरीके की धारणाएं हमारे देश के अंदर है। एक धारणा यह है जिसमें आरएसएस और बाकी जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं वो सावरकर को वीर सावर कह करके उनको क्रांतिकारी बताता है और आजादी आंदोलन का योद्धा बताता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं जिसको हमको समझना है। सावरकर को वीर सावरकर कहने लायक है या नहीं है, सावरकर को वीर सावरकर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये आप अपनी बुद्धि और विवेक से फैसला कीजिए। दूसरा एक पक्ष है साथियों, जो देश की जनता को, जिसमें कांग्रेस भी है और जिसमें जो क्रांतिकारी थे जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, उन सारे सोच के जो लोगों की समझ है, वो सावरकर को वीर सावरकर बिल्कुल नहीं कहते। सावरकर किसी भी तरीके से वीर नहीं है, एक पक्ष है। सावरकर की जो भी क्रांतिकारी गतिविधि जिनको आरएसएस कहता है,
ये क्रांतिकारी गतिविधि केवल उनकी छात्र जीवन के समय की थोड़ी सी है, जिस गतिविधि में उनका षड्यंत्र में शामिल है, उन्होंने स्वयं कोई गतिविधि नहीं की है, दोनों गतिविधियों में सिर्फ षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, सीधे तौर पर उन्होंने सीधी कोई कार्रवाई नहीं की है, वो अंग्रेजों के सामने कभी भी सीधे छाती तान के कभी खड़े नहीं हुए, अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया, अंग्रेजों के सामने हमेशा गिड़गिड़ाए। तो सावरकर का जो चरित्र है वो कभी वीर सावरकर का नहीं है, ये हमको समझना है। इतिहास है, ऐतिहासिक तथ्य है, जिस तथ्य को हमको आम जनता के सामने ले जाना चाहिए, आम जनता को बताना चाहिए। ये पक्ष है जो एक दूसरा पक्ष है, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो आरएसएस के बारे में इस तरीके की अवधारणा को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जो सावरकर माफीनामा लिखे, जो सावरकर जेल में गिड़गिड़ाते रहे, ऐसे सावरकर को वीर सावरकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये साथियों एक पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत। तो इस तरीके से सावरकर के बारे में दो तरीके के पक्ष है जो दोनों मैंने आपके सामने रखे। अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आपको सावरकर को वीर सावरकर कहना है या आपको वीर सावरकर का दर्जा नहीं देना है। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनको भगत सिंह को आज तक शहीदी का दर्जा नहीं मिला। हमारे देश की विडंबना देखिए, भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला, भगत सिंह को हम वीर भगत सिंह कह सकते हैं, भगत सिंह को चाहे हम जितने सारे सलूट कर सकते हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ में जो क्रांतिकारी थे उनको चाहे जितने सारे सलूट कर सकते हैं वो कम है, वो वीर नहीं महावीर हैं, उनके लिए वीर कहना बहुत छोटा सा शब्द है। ऐसे लोगों को वीर कहा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को वीर कहा जाना चाहिए जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान उसी काला पानी की सजा काटते काटते अपनी जिंदगी खत्म कर दी, मगर कभी अंग्रेजों के सामने माफीनामा नहीं लिखा, कभी अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, कभी झुके नहीं, कभी सर झुकाया नहीं, जान दे दी। ऐसे लोगों को हम वीर कह सकते हैं, ऐसे लोगों के सामने हम वीर लिख सकते हैं, ऐसे लोगों के सामने क्रांतिकारी लिख सकते हैं, ऐसे लोगों को हम क्रांतिकारी सलूट कर सकते हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस सेलुलर की जेल में 25 साल तक की सजा काटी है, 25 साल तक यातना झेली है, ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं। और ऐसे लोग वो थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल थे, कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल थे, और कम्युनिस्ट पार्टी में होने के कारण से, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण से अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला हुआ था, जिन षड्यंत्रों में फंसाया, कभी जेल से बाहर निकलने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आजादी के आंदोलन जब खत्म हुआ उसके बाद ही जेल से छूटे, ऐसे लोगों को वीर कह सकते हैं, ऐसे लोगों को वीर का दर्जा दे सकते हैं, ऐसे लोगों को क्रांतिकारी सलूट कह सकते हैं। ये साथियों अवधारणा है, ये हमारा अतीत है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा चेहरा दिखाता है। आज के तारीख में आरएसएस जिस विचारधारा को लेकर चल रहा, इस विचारधारा से, अभी मैं पूरा समझाते चलूंगा तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि इस विचारधारा से देश नष्ट हुआ है और नष्ट ही होगा, देश का भला नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा जब लड़ने का वक्त आया तभी गिड़गिड़ाते रहे, चापलूसी करते रहे, माफीनामा लिखते रहे, पेंशनें लेते रहे, ऐसे लोगों को क्या हम वीर कह सकते हैं? ये सवाल है जिस सवाल का जवाब देश की जनता को चाहिए, वो हमको समझना है, हमको पता नहीं है। बहुत सारा यूथ है जिसको ये पता नहीं है सावरकर के बारे में, जो आरएसएस के लोगों ने समझा दिया, जो उन्होंने अपनी साइडों पर लिख दिया, जो उन्होंने अपनी किताबों में वीर सावरकर के बारे में छाप दिया, जो वो माफीनामे दिए ये भी नहीं बताते हैं। बहुत सारी किताबों ने नहीं लिखा कि उन्होंने माफीनामे दिए। तो ये सारा जो यथार्थ सच है हमको समझने की जरूरत है और देश की जनता को भी समझाने की जरूरत है। हिंदुत्व दर्शन का जो ये पूरा एक किताब लिखा था सावरकर ने, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो हिंदू दर्शन की जो सीरीज बनाऊंगा उस सीरीज के अंदर इस हिंदुत्व की दर्शन की पूरी विचारधारा को आपको समझाऊंगा कि सावरकर ने किस हिंदुत्व की दर्शन की विचारधारा क्या थी, किस तरीके से हिंदुत्व दर्शन को, किस तरीके से राज्य व्यवस्था को कायम करना चाहते थे,
इसके हिंदुत्व के शब्द के पीछे का राजनीति क्या है, इनका राजनीतिक लक्ष्य क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र क्या है, सारा कुछ मैं हिंदुत्व के दर्शन का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा जो आगे होगा। अब मैं यही खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी दर्शन की सीरीज के वीडियो जरूर सुने, और भी सीरीज के वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उनको सुने, उसके साथ ही साथ इन सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने जुटाई है, बहुत ही मेहनत से हम इन सारी वीडियो को बना रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी के जो यथार्थ है सत्य है इसको आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें, आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स। 1937 में इनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया और 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के